काम करो बिजली पानी देने जो सरकार निकम्मी है। उन्होंने देखना चाहिए कि मेरी जो प्रजा है वो कितनी परेशान है, उनका फर्ज बनता है। जी वो तो प्रजा को तो मारना चाहते हैं वो। आप देखिए, चाहे वो देसी तेल हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बच्चों की नौकरी हो, चाहे हमारे डेली वेज के जो खजल खराब हो रहे हैं वो हो, चाहे मैट्रिक वाले जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको मार दे रहे हैं, चाहे वो हो, ये सारा लेकर जो हम लोग हैं इनके हक में बोल रहे हैं। अगर मोदी सरकार, अगर आपने लोगों से वादा किया था अच्छे दिन आए, वो हम आज पूछना चाहते हैं वो अच्छे दिन कहाँ। इन लोगों ने वोट दे के उसको अच्छे दिन लाए, ठीक है ना। और मोदी सरकार ने क्या किया, इनके लोगों के बुरे दिन लाए। आप जानते हैं इस वक्त बिजनेस लेकर, ऑटो ड्राइवर लेकर, टैक्सी ड्राइवर लेकर सब परेशान है, दुकानदार सब परेशान है इस महंगाई के बारे में। हम यही कहते हैं उसको, मोदी सरकार अब अगर ठीक से ले चलती है सरकार, रिजाइन करें आप, कोई दूसरे को चांस दे दें जिसको जनता चाहती है, जिसको जनता वोट पाएगी। ये तो बोलो की बात है ना। आप वो ऐसा करें, आप रिजाइन करें, आप तो फेलियर हो चुके हैं। अब तो आपका कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। आपने कहा था दवाई सबको, दवाई की हालत आप देखी। आप लोग मीडिया में जाते हो, पूछते हो लोगों को, है कहीं नहीं है। कहिए बुढ़िया रो रहे हैं, 100-100 साल की रो रही हैं, 10-10 बारी हम यहाँ डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल में आ रहे हैं, मेडिसिन है ही नहीं, कोई नहीं मिल रही है उनको। हम यही पूछना चाहते हैं, आप इतने वादे कर फिर सो क्यों गए हो? अगर आप सो गए हैं तो फिर पूरे सो जाओ, ये तो किसी को चांस जागने का, वो जागेंगे उसी सरकार, ये जनता चुनेगी वो सरकार आएगी, वो सरकार देखेंगे। अगर वो भी ऐसा काम नहीं करेगी तो वो भी जाएगी। तो यही हमारी आपके मीडियम से माध्यम से हम संदेशा देना चाहते हैं, अगर आप बिजली पानी राशन पानी पेट्रोल और नौकरियां नहीं दे सकते हो, वो सरकार निकम्मी है। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार जाएगी। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।